प्रोग्राम के बाद सिहाब भाई का आया इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिहाब भाई ने बताया टोटल कितना खर्चा आया, यानी पैदल सफर पर। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे कि नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सिहाब चित्तूर को लेकर। दोस्तों ये तो आप सबने पता है कि सिहाब भाई दो दिन से जोधपुर में है दोस्तों, और कल जो है उनका प्रोग्राम भी हुआ था दोस्तों, यानी 23 तारीख में बहुत बड़ा प्रोग्राम था दोस्तों। उस प्रोग्राम में तकरीबन लाखों की भीड़ जो है यानी वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी दोस्तों स्टेडियम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मंजर था मेरे दोस्तों। इससे पहले वीडियो हमें अपलोड की थी, आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ जो है वीडियो हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों, जब सिहाब भाई बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था माशाल्लाह, तो मेरे दोस्तों वो वीडियो हम इसी में दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों सिहाब भाई का तकरीबन 3 मिनट का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में सिहाब भाई ने दोस्तों अपने सफ़र को लेकर बताया, यानी टोटल खर्चा कितना आया। और जो लोग यानी पैदल सफ़र कर रहे हैं इस टाइम दोस्तों, उन पर भी सिहाब भाई ने यानी एक बात कही दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही, वो भी आपको इसी इंटरव्यू में सुनने को मिलेगी। तो मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखें, टोटल इंटरव्यू देखें सिहाब भाई का। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिहाब भाई ने जो है हिंदी में की है। तो मेरे दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप सब जो है हमारे चैनल पर काफ़ी प्यार सपोर्ट मोहब्बत करते हो दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू सो मच जो आप अपना प्यार जो है हमें देते हैं। तो मेरे दोस्तों भी इंटरव्यू देखिए, वीडियो देखिए सिहाब भाई की, मंच की, जब सिहाब भाई गिफ्ट दे रहे थे। बात करें इस्लाम की स्थापना होने के बाद में जो रियासत काल समय में पौराणिक काल में लोग पैदल ही जाते थे, आधुनिक काल में आप पहले जो हज यात्री बने हो, तो ये आपके जहन में कब आया कि मेरे को पैदल जाना है? हालांकि ड्रीम है आपका, पर कब से? मदरसा में जाने का टाइम एक है कि मुसलमान का हज यानी इस्लाम का रूल है, एक नमाज, शहादा, रोजा रखा, जकात, हज, ये हज पांच। हमारे पास पैसा है, तबीयत ठीक है, हमको हज के लिए जा सकते हैं। अभी सिचुएशन एक जनरेशन में लोग सोचते हैं यानी आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 70 ईयर्स हमको वो टाइम हज के लिए जाने के लिए वेट करेगा। वो टाइम मेरे को भी एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैं बोला, हमारा अच्छा टाइम, अच्छा टाइम हमारा हमारा अच्छा काम के लिए यूज़ करते वो अच्छा है। हमारा ओल्ड एज में उधर जाएगा, मुमकिन नहीं अच्छा से नहीं कर सकते हज। हज का इम्पोर्टेंट किसी को मालूम नहीं है। पैसा है, हमारे पास पैसा है, सब ठीक है, घर अच्छा चलता है, गांव अच्छा चलता है, लेकिन बिजनेस अच्छा चलता है, सब है, पैसा भी है, लेकिन हज के लिए जाने के लिए लोग नहीं सोचते। 70 ईयर्स का बाद, 70 ईयर्स ओल्ड का बाद ऐसा है, लोगों ने धारणा बैठा ली है कि अभी 50 साल बाद में जाना है। आप तो जाके आ गए, अब आपको देख के और भी कई लोग हैं जो मोटिवेट होंगे और इंशाल्लाह पैदल जाने के लिए तैयार होंगे। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को कि भाई क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसा लेकर क्या कहेंगे? मेरे तरह और एक आदमी जाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए यानी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पोर्टेंट थिंग क्या है मालूम, ये हज के लिए सफ़र पैदल जाने का और ज़्यादा कुछ फ़ायदा ऐसा नहीं है। हज के लिए ज़रूर पैदल जाओ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोला मेरे को मैम सफ़र के लिए सर्च करने का टाइम कोई नहीं मिला, मैं फर्स्ट टाइम है, मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा है। दूसरा आदमी आने के टाइम मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले मैं बोला ये फ़र्ज नहीं है, ये पैदल जाएगा हमारा इस्लाम में पैदल हज के लिए जाओ ऐसा नहीं है।
ये एक आदमी के शिहाब भाई का ड्रीम है बस, ओनली दिस इज माई ड्रीम। क्या खर्चा आया? खर्चा क्या आया? എത്ര പൈസ ആയി? അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറയാനറിയില്ല. 10 lakh പൈസ മേ പേലെ റെഡി കിയാ. 10 lakh ഹെൽപ് കിയാ ഹമാരെ ഇന്ത്യ മേ പാകിസ്ഥാൻ മേ ഇറാൻ മേ ഇറാഖ് മേ ഹെൽപ് കിയാ.